ओके एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स पेज वन एटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इज थर्टी डिग्री वॉकिंग टू हंड्रेड टेन मीटर्स फ्राम द पॉइंट्स टू वर्ड द क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स फोर्टी फाइव डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ अब ये देखें लेट ये बी सी जो है ये क्लिफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्राम द टॉप ऑफ द क्लिफ तो टॉप ऑफ द क्लिफ तो ये पॉइंट सी यहाँ पर टॉप ऑफ द क्लिफ है ठीक है तो ऑब्जर्वर जो है तो ये टॉप ऑफ द क्लिफ़ यहाँ और ये क्लिफ़ जो है तो बी सी है इसकी हाइट ये हमने फाइंड करनी है तो एंगल ऑफ़ एलिवेशन यहाँ से ठीक है ऑब्जर्वर यहाँ है और टॉप के साथ एंगल ऑफ़ एलिवेशन बन रहा है वो थर्टी डिग्री है फिर वो कहते हैं कि इस पॉइंट यहाँ जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री है यहाँ से टू हंड्रेड टेन मीटर्स वॉकिंग टू हंड्रेड टेन मीटर फ्राम द पॉइंट्स टू वर्ड्स द क्लिफ तो क्लिफ इस तरफ है ना तो टू हंड्रेड टेन मीटर डिस्टेंस जब वो कवर करता है तो कहते हैं ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स फोर्टी फाइव डिग्री तो फिर यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्राम द टॉप ऑफ द क्लिफ बनता है वो फोर्टी फाइव डिग्री है हमने क्या करना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ अब हाइट ऑफ द क्लिफ देखें लेट हाइट ऑफ द क्लिफ इज मेजरमेंट बी सी विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एंगल सी ए बी थर्टी डिग्री जो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन था जब टू हंड्रेड टेन मीटर वॉकिंग टू हंड्रेड टेन मीटर फ्रॉम द पॉइंट्स टू वर्ड द क्लिप तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री नाउ कंसिडर ट्राइंगल बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल है ये इसको कंसिडर करें तो टेंजेंट थीटा हम लेते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की रेशियो क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस तो टेंजेंट थीटा ये वाली ट्राइंगल हमने ली है ना बी सी डी तो इसमें थीटा क्या है फोर्टी फाइव डिग्री तो टेंजेंट फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है बी डी अब टेंजेंट फोर्टी फाइव ठीक है टेंजेंट फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है ुलर और बी डी बेस नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब वन के नीचे तो कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हम वन लिख लें ठीक है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बी डी एस वन से मल्टीप्लाई होकर बी डी और बी सी एस वन से मल्टीप्लाई होकर बी सी इसको हमने इक्वेजन वन का नाम दे दिया नाउ कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल सी बी ए दोबारा फिगर को देखेंगे सी बी right ए राइट एंगल ट्राइंगल टेग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते पहले हमने सी बी डी ली थी अब सी बी ए ये बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल सी बी ए तो इसमें भी हम टेंजेंट की रेशो लेंगे ठीक है टेंजेंट थीटा देखिए टेंजेंट <coughs> थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस अब वहां पे थीटा क्या है थर्टी डिग्री है और परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है बी ए जरा देख लें परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर आपके पास अब बड़ी ट्राइंगल ली है तो परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है बी ए ठीक हो गया बी सी और बी ओके okay. अब थीटा क्या है थर्टी डिग्री परपेंडिकुलर बी सी और बेस बी ए अब टेंजेंट थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाय अंडर रूट थ्री और बी सी डिवाइडेड बाई बी ए इसी तरह लिख लिया नाव बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बी ए जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो बी ए और अंडर रूट थ्री किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजरमेंट बी सी से इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें बट अब आप देखें कि जो बी ए है बी ए फिगर में दोबारा तो हम देखेंगे कि बी ए जो है बी ए इक्वल है मैंने क्या लिखे कि बी ए इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए बी ए अब ये देखें ये बी ए ये टोटल लेंथ है अगर सेगमेंट एडिशन में हम जाएं तो इसके सेगमेंट क्या बनेंगे बी डी प्लस डी ए ना या डी ए प्लस बी डी टोटल लेंथ है बी ए सेगमेंट एडिशन में जाएं तो बी डी प्लस डी ए इसीलिए मैंने क्या लिखा बी ए इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए ठीक हो गया अब बी ए इसी तरह लिख लिया बी डी और डी ए जो है डी ए यहां पर देखें दोबारा डी ए टू हंड्रेड एंड टेन मीटर फिगर में देखें आप ये डी ए डी ए की मेजरमेंट कितनी है टू हंड्रेड एंड मीटर तो जगह हमने टू हंड्रेड एंड टेन मीटर लिख लिया और डी ए इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन मीटर सही हो गया अब मेजरमेंट बी ए इज इक्वल टू क्या हो गया बी डी की जगह हमने लिख लिया बी सी तो आप देखें इक्वेशन वन में हमने क्या हमारे पास इक्वेशन वन क्या थी कि बी डी इज इक्वल टू बी सी इसलिए हमने बी डी की जगह क्या लिख लिया बी सी प्लस टू हंड्रेड एंड टेन मीटर उसी तरह लिख लिया और बी डी इज इक्वल टू बी सी की रीजन हमने दे दी फ्रॉम इक्वेजन वन ना फ्रॉम इक्वेजन टू अब इक्वेजन टू पे आ गई इक्वेजन टू क्या है आपके पास कि बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इन टू मेजरमेंट बी सी तो यहाँ देखिए बी ए बी ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट थ्री इन टू मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड है इसी तरह लिख लिया बी सी प्लस टू हंड्रेड एंड टेन मीटर सही हो गया हमने बी ए की जगह क्या लिख लिया अंडर रूट थ्री इन टू मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी प्लस टू हंड्रेड एंड टेन मीटर अब हमने बी सी फाइंड करने क्यों बी सी फाइंड करना है, BC है? फिगर में आप देखें बी सी क्या है बी सी एट द हाइट ऑफ द ना तो हमने अब बी सी फाइंड करना है अब हमारे पास बी सी आ रहा है तो देखिए अब बी सी की दो टर्म्स हैं बी सी इस साइड पर भी है इस साइड पर है तो हम एक लाइक like टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से इस बी सी को हम शिफ्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो एड माइनस बी सी टू बोथ साइड्स अब देखें अंडर रूट थ्री इंटू बी सी माइनस बी सी और उस साइड पर भी था मेजरमेंट बी सी माइनस बी सी प्लस टू हंड्रेड एंड टेन मीटर अब मेजरमेंट बी सी माइनस मेजरमेंट बी सी तो कैंसल हो गया और यहाँ पर देखें बी सी ये टू टर्म दोनों में बी सी है तो बी सी हमने कामन ले लिया तो फर्स्ट टर्म से क्या रहेगा अंडर रूट थ्री माइनस यहाँ से वन इज इक्वल टू इस साइड पर क्या रहेगा टू हंड्रेड एंड टेन मीटर अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या है वन पॉइंट सेवन थ्री टू आप कैलकुलेटर पे देखें अंडर रूट थ्री तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन मीटर अब वन पॉइंट सेवन थ्री टू में से जब माइनस वन करेंगे तो जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू और मेजरमेंट बी सी इसी तरह साथ में लिखते जाएंगे इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन मीटर हमें तो मेजरमेंट बी सी चाहिए तो इसके साथ जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे इसको यहाँ से